अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम आपको अपने देसी हनी रोटी चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का कढ़ाई। ये 1 किलो गोश्त है चिकन का, चिकन गोश्त है, और ये है प्याज। इसके बाद ये टमाटर है 1 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच, और हरी मिर्च है हमारे पास कुटी हुई, और ये बाकी मसाला गर्म मसाला है, और साथ में ये हमारे पास है कढ़ाई गोश्त मसाले का 1 साशे। लेकिन ये मैंने भी आपको बाहर से मंगवाया है, जो नेशनल मसाले का रेसिपी होती है वो मंगवाई है। ये 1 चम्मच नमक है। चिकन को हमने पहले से सिरका लगा के, नमक लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ा, उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लिया। किचन की अब हम चलते हैं, हमारे पास तकरीबन 2 चम्मच बड़े हुई है, शामिल होंगे 1 बड़ी प्याज। हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, छोटे करेंगे, थोड़ा हल्का सा इसको गर्म करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे ये मरबा के चिकन, इसको हमने जल्दी से मिलाना है ताकि ये रोटी के साथ चिपके ना। हम इसको ब्राउन करेंगे इस तरह फ्राई करके। अभी हम इसमें कोई कलर शामिल नहीं करना, ना हल्दी का ना किसी चीज़ का, सिर्फ तो हमें इसमें नमक ऐड करना है ताकि ये गोश्त के साथ इसमें रख जाए। नाजरीन, अगर चिकन चिकन में हम बाद में ऐड करते हैं नमक, इसके टेस्ट में ये शामिल नहीं होता। ये थोड़ा थोड़ा सा फीका रह जाता है, मसाले का मज़ा होता है लेकिन गोश्त जो हमारा है ना वो फीका रह जाता है, इसलिए नमक हमें साथ ही शामिल कर देना चाहिए। ये हम ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। ये देखें कि गोश्त जो है ये इस शक्ल में आ गया है, यानी कि ये फ्राई हो चुका। अब हम इसमें ये सारे मसाले शामिल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है, प्याज है, कुटी हरी मिर्च है, सब कुछ हमने एक साथ शामिल कर दिया इसमें। मिक्स करेंगे इस तरह से। इसको 5 मिनट तक भूनेंगे। अभी हमने बाकी के मसाले जो मिर्च वगैरह वो शामिल नहीं करनी इसमें, इससे ये होता है कि ये जल्दी जलने लग जाता है और कच्चा रह जाता है। हमने इसको हल्की आंच पे 5 मिनट तक भूनना है। ये नाज़रीन, ये देखें, हमने इसमें चीज़ें डाली थी, टमाटर वगैरह सब मिक्स हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जो बाकी के मसाले ये हमने इसमें ऐड करने, हमने आग को थोड़ा सा हल्का कर देना है। तक मसाले जले नहीं, 5 मिनट तक भूनना है। ये नाज़रीन, ये देखें, ये हमारी चीज़ें भाई बन रही है। ये हमने एक कोयला लिया, इसको हमने इस तरह चूल्हे पर रख के गर्म करना है अच्छे तरीके से, इसका हमने इसको धुआं लेना है, क्योंकि हमारी कढ़ाई का जो नाम है वो चिकन टिक्का कढ़ाई है। इसमें हमने सुरख मिर्च शामिल नहीं की,
सिर्फ ग्रीन चिली डालनी है उसके। हमने उसमें चम्मच रखा और चम्मच पे हम ये कोयला रखेंगे। ये कोयले के ऊपर हम एक तरह से और हम इसको कर देंगे बंद ताकि धुआं इसके अंदर ना आए। इस तरह से हम इसमें से कोयला निकालेंगे पहले, फिर ये चम्मच उठाएंगे। ये देखना हम इसमें हरे धनिया से इसको सब धनिया से गार्निश किया। ये हमारी चिकन टिक्का कढ़ाई तैयार है। ये आप इसकी रंगत देखें और इसकी में बहुत अच्छी टिक्के की खुशबू आ रही है। आप इसको बनाइएगा, खाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।